बूबा से एमसी स्टैन को कैसे हुआ प्यार, और एमसी स्टैन आखिर किस तरीके से वो बूबा से मिले, और कैसे उन्होंने बूबा को प्रपोज किया, और क्या क्या चीज़ें हुई, और कैसे इनका प्यार जो है पनपा और शुरू हुआ, इस बात को लेकर तो भाई एमसी स्टैन ने खुद ही खुलासा किया है। आखिर क्या कहा है एमसी स्टैन ने, आइए आपको देते हैं इस बारे में पूरी अपडेट। नमस्कार, आप देख रहे हैं फीफा फूज और मैं हूँ आपका अपना दोस्त और होस्ट गणेश कांदू। एमसी स्टैन जो इस बिग बॉस सीजन 16 के विनर बन चुके हैं, और भाई बहुत खुश थे एमसी स्टैन, मतलब जब बाहर वो मीडिया से भी बात करने के लिए आए तो उनके फेस पर देखा जा सकता था कि खुश हैं, लेकिन एक चीज़ के लिए वो बहुत ज़्यादा उदास भी थे। और उन्होंने बार बार ये चीज़ बोली कि यार देखो मैं जीता, मैं बहुत खुश हूँ, मैं चाहता था कि मतलब मेरे को तो एंडिंग में आके पता लगा कि यार मैं भी जीत सकता हूँ, और मेरे को एंडिंग में आके गेम समझा रहा, दो हफ्ते पहले गेम समझा मेरे को, और उसके बाद जब मैं इन्वॉल्व होना शुरू किया तो बिग बॉस ही ख़त्म हो गया। तो कहीं ना कहीं ये ट्रॉफी मेरे को मिला, मैं खुश हूँ, लेकिन मेरे को बुरा लग रहा है कि मेरा भाई शिव, जिसका ड्रीम था ये, जिसका सपना था, जिसको चाहिए था कि वो बिग बॉस जीते, वो नहीं जीता ना, मेरे को उस वजह से बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा है। मेरे को अच्छा नहीं लग रहा है ये चीज़ कि भाई मेरा भाई हार गया। लेकिन एमसी स्टैन के फैंस ने धूम मचाई है भाई, असली असली जो सपोर्ट मिला ना एमसी स्टैन को और शिव ठाकरे को, दोनों को भी माफ़ी चाहता हूँ, एमसी स्टैन और उनके फैंस को जिस लेवल का ग्राउंड सपोर्ट मिला है, मतलब एमसी स्टैन शिव को, दोनों को भी ग्राउंड लेवल का सपोर्ट बहुत ज़्यादा था। और 15 मिलियन वोट्स दिए भाई एमसी स्टैन को फैंस ने, पूरे बिग बॉस के इतिहास में इतना वोट किसी भी कंटेस्टेंट को नहीं आया है। तो आपको बता दें एमसी स्टैन जब अभी बिग बॉस जो कृष्ण अभिषेक का सेगमेंट आता है उनकी वाइफ कश्मीरा शाह के साथ, उसमें उन्होंने बूबा को लेकर खुलासा किया है। लेकिन क्या कहा है एमसी स्टैन, बोल मतलब उनकी बूबा के साथ लव स्टोरी कैसे शुरू हुई, सवाल पूछा गया तो कहते हैं कि मैं बूबा को मेरे फ्रेंड के पार्टी में मिला था, और उधर मतलब बूबा ने मेरे साथ फ़ोटो लिया, लेकिन मेरे को ये चीज़ नहीं पता थी कि ये कौन है। हाँ, लेकिन बूबा का जो भाई है वो मेरा बहुत बड़ा फ़ैन है, मतलब मेरा बहुत फ़ैन है, मेरे को बहुत पसंद करता है वो। उसके बाद जो है स्टैन बोलते हैं कि मैं मुंबई शिफ्ट हो गया, और बूबा भी मेरे घर के आसपास ही किधर तो रहती थी मुंबई में, तो वैसा ही सब कुछ शुरू हो गया। इसके बाद स्टैन बोलते हैं कि उनके दोस्तों ने मतलब मिलाया है स्टैन को, और एमसी स्टैन बोलते हैं कि मेरे को जीतना था बिग बॉस, और बूबा ने भी लास्ट मोमेंट पे बोल दिया कि जीत के आना, तो बस वही है। उसके बाद रिप्लाई आ रहा है, बहुत जनता रिप्लाई कर रही है, कोई लिख रहा है कि हक है भाई इस बंदे को, बहुत प्यार है यार, ही इज़ एंटरटेनिंग, ही इज़ रोमांटिक, इज़ एवरीथिंग। फिर कोई लग रहा है कि हक से विनर, फिर कोई लग रहा है कि यार बंदे पे एक फिल्म बननी चाहिए इस बंदे पे, तो फिर कोई लग रहा है कि यार एमसी स्टैन है भाई, कुछ भी बोलो, क्या लव स्टोरी है बंदे की, और बंदा बहुत ज़्यादा रियल है। इस चीज़ पर तो मैं समझ गया कि यार एमसी स्टैन कैसा कोई नहीं हो सकता कभी। फिर कोई लग रहा है कि गाइस सब अपनी अपनी जगह पे बेस्ट है, स्टैन की लाइफ उसके लिए बेस्ट, शिव की लाइफ उसके लिए बेस्ट, और प्रियंका की लाइफ उसके लिए बेस्ट, तो किसी को भी जज करना छोड़ दो, बिग बॉस ख़त्म हो चुका है। तो इस बारे में आपकी क्या राय है ज़रूर बताइएगा हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर, और इस तरीके की और भी बहुत सारी अपडेट्स जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ, यानी कि फीफा फूज के साथ। धन्यवाद।